मैं गाड़ी फंसन जाएगी मेरी यार, आपकी गाड़ी यहां लग जाए, आगे आगे जाके लगेगी। ए प्रकाश, हां पीछे करके डब्बा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सारा सामान मिल रहा है, होटल के अंदर ऐसे पड़ा रहता है, ये ऐसे पूरा सामान मैंने इस कमरे के हर कोने में बिखेर के रखा हुआ है। अब बाहर सनलाइट हो गया है, अब पहले करनी है इस पूरे सामान की पैकिंग, फिर देखते हैं आगे की कहानी और आज के दिन का सीन शॉट। तो सामान हो गया पूरा सेट, दोनों बैग मैंने अपने पैक भी कर लिए, बड़ा वाला भी छोटा वाला भी। और मैं रुका था धारचूला में केमियन के टीआरएस में, तो दिव्यांश मेरे साथ था। नेक्स्ट पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा दिव्यांश था, वो चला गया सेम टैक्सी से हल्द्वानी। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मैंने उसको भेजा हल्द्वानी। सो गाइस, दिस इज ओनली योर आदि उपाध्याय, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो प्रोग्राम है, मैंने जाना है यहाँ से धारचूला से पिथौरागढ़, जिसकी डिस्टेंस है करीब 90 किलोमीटर। गाड़ी नीचे खड़ी है, देखते हैं पिथौरागढ़ का रास्ता धारचूला से। ये पूरा टीआरएस है यहाँ का केमिन का। और कैपेसिटी कितनी है इसकी, कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है सर कितने लोगों की? 60 लोगों की। हाँ, 60 लोग आके इसमें रुक सकते हैं आराम से। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जब स्टार्ट होती है तो पहले लोग इसी में आके रुकते हैं, हाँ उसका धारचूला आके रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं। और सामने एक खूबसूरत स्कूल है, बच्चे वहाँ पर कर रहे हैं प्रार्थना मॉर्निंग की। और भाई साहब, इन्होंने बहुत मदद की मेरी और बहुत अच्छा खाना खिलाया। ओम नमः शिवाय सर, आप धारचूला आइए, आपका इन्फॉर्मेशन धारचूला में। आप धारचूला आगे आदि कैलाश ओम पर्वत का दर्शन कर लीजिए, पंचाचूली का दर्शन कर लीजिए, नारायण स्वामी आश्रम का दर्शन कर लीजिए। सामने नेपाल है सर, नेपाल में घूम लीजिए आप। हाँ। आइए, वेलकम है सर आप सभी लोगों का धारचूला में, वेलकम है। ठीक, धन्यवाद सर। चलिए, मिलते हैं आपसे दोबारा। ठीक है, इनसे मिलकर बड़ी खुशी मिली। और इनको आके आप अतिथि संस्कार दे सकते हो, बहुत अच्छे अतिथि संस्कार है और उत्तराखंड में हर जगह ऐसा ही है। और ये लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, इनसे मिलकर आपको लगेगा कि आप अपने परिवार में ही आए हुए हैं। इनसे मिलेंगे दोबारा कभी जब धारचूला आएंगे। अब करते हैं धारचूला को गुड बाय। तो निकल गया मैं होटल से अपने बाहर। तो यह है पूरा धारचूला का मार्केट, बिल्कुल जैसे नेपाल का है वैसे ही यहाँ भी है। दोनों जगह एक जैसे ही ब्रांड कपड़े सब एक जैसा मिलता है। और यहाँ यहाँ का है गांधी चौक, कल शाम हम लोग घूम रहे थे यहाँ पे। फिलहाल जो टारगेट है एटीएम ढूंढना है, एटीएम ये है, एटीएम से निकालने पैसे पहले। बाइक कहाँ खड़ी करूँ भैया, बाइक खड़ी करनी पड़ेगी इधर कहीं। एटीएम सामने है पंजाब से बैंक का, कल शाम बंद था, आज सुबह ही बनता 5 बजे, अभी खुला है। तो पिथौरागढ़ है यहाँ से करीब 96 किलोमीटर। फुनो आगबन में नगर पालिका परिषद धारचूला आपका प्रतीक्षा करती है, इसलिए आप करते हैं धारचूला को बाय बाय। बहुत खूबसूरत शहर है, इधर भी धारचूला भी और धारचूला भी दोनों। और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, मिलनसार टाइप के लोग हैं। जितने लोगों से मैं मिला, जनरली और जगह के लोग बात कम करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे पूरे एरिया की और सारा कल्चर वगैरह सब बताएंगे। कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो सामने जो वैली है काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, बीच में बह रही है चौड़ी सी काली नदी और उस पार है नेपाल,
उस पार है नेपाल और ये रोड है इंडिया की। जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है, व्यू काफ़ी अच्छा है और रोड भी की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। ऊपर तो खैर मार्केट के आसपास तो रोड थोड़ी ख़राब थी, लेकिन थोड़ा नीचे आने के बाद रोड काफ़ी अच्छी हो गई है। अभी इससे आगे और अच्छी रोड है बता रहे थे, अब पिथौरागढ़ तक नहीं आने आ गया। ऐसी रोड होगी तो मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में, 93 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है। था उस दिन भी चला था रोड पे काम, उस दिन जाम लगा था और आज वापस जा रहा हूँ तब भी रोड कट रही है, अभी भी जाम लगा हुआ है। इंतजार करना पड़ेगा आधा घंटा करीब। तो करीब 45 मिनट रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्या डेवलपमेंट के लिए ही है, अब वो रोड इतनी चौड़ी जाएगी जितनी ये है सामने वाली रोड। 45 मिनट उसका वेट करने के बाद मैंने कर लिया है जोलजीबी क्रॉस। यार ये गोरी नदी और उस साइड से उस वाली रोड में थी काली नदी, दोनों का यहाँ पर हो जाएगा संगम, तो वहाँ से वो नदी पूरी काली नदी कहलाएगी। आपका प्रकाश नाम है, इनके दुकान है खोलिया ढाबा, वो भी अस्कोट और ओगला मोड़ के बीच में दुकान, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इनके पास आना, मैंने इनके पास चाय पी और छोले खाए और काफ़ी खूबसूरत था खाना। पिथौरागढ़ है अभी 42 किलोमीटर, डीडी हाट 10 किलोमीटर, चौकड़ी 61 किलोमीटर। तो भाई साहब हमने करीब दूरी तय कर ली 70 किलोमीटर के करीब, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, आधा रास्ता पूरा हो चुका है। इस जगह का नाम है ओगला मोड़, ओगला मोड़ है। यहाँ पे से आप जा सकते हो गंगोली हाट, जैसे वो चाय वाले ढाबे ने वाले ने बताया मेरे को, ये रास्ता चले जाएगा डीडी हाट, गंगोली हाट थल और चौकड़ी बेरीनाग को, और ये रास्ता सीधे पिथौरागढ़ की ओर को। चलो थैंक यू भाई यार फ़ोटो खींचने के लिए, अकेले में यार कोई फ़ोटो खींचने वाला होता नहीं, भाई लोग फोटोकॉपी कर रहे थे तो फोटोकॉपी होगी। यहीं कहीं बता रखी है कोई गली जिसके अंदर घुसना है, तब तक हम दादा देवल गाँव तक पहुँच गया। ये रास्ता ज्यादा देवल के अंदर को जाता है, ये वाला रास्ता, ये रास्ता ज्यादा देवल गांव के अंदर जाता है। हाँ। नीरज के घर को, नीरज जोशी अंदर डाल लो। गाड़ी फंसन जाएगी मेरी यार,
यहाँ लग जाए आगे आगे जाके लगेगी। ए प्रकाश हाँ है कहाँ डलवा रहा है गाड़ी यार। अभी तक मोड़ लिया है बच्चों को आने दे पहले साइकिल लेके। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर लिखना और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल को प्रोग्राम है पिथौरागढ़ को लोकल विजिट करने का, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।